इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पर बहुत बड़ी खबर आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच ने खुद प्लेइंग 11 बताई। जानिए किन 11 धुरंधरों के साथ होगी 16 साल पुराने दुश्मनों से लड़ाई। क्या प्लेइंग 11 में आएंगे अश्विन, शमी, ईशान या स्काई? जी, टीम इंडिया को अब 16 साल पुराने दुश्मन से पुणे के मैदान पर भिड़ना है। दोपहर 2 बजे से मुकाबला शुरू हो जाएगा और पुणे का मैदान, जो कि बल्लेबाजी के लिए मशहूर है, वहां पर रनों का सैलाब आ सकता है। ऐसे में अपने 16 साल पुराने दुश्मन, जो कि बात बात पर टीम इंडिया के सामने नागिन डांस करता है, टीम इंडिया को चिढ़ाता है। टीम इंडिया को इसी टीम ने साल 2007 में वनडे वर्ल्ड कप से बाहर किया था। टीम इंडिया के खिलाड़ी तब से इस टीम से बदला लेने को बेकरार हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि टीम इंडिया एक तगड़ी प्लेइंग 11 इस टीम के सामने उतारे। ऐसे में टीम इंडिया के कोच पारस मामरे ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है कि टीम इंडिया किस फॉर्मूले के साथ मैदान पर उतरेगी। कोच के मुताबिक टीम इंडिया पिछले मैच की तरह सेम प्लेइंग 11 के साथ इस मैच में भी उतरने वाली है। टीम इंडिया नहीं चाहती कि इंडिया का मोमेंटम ब्रेक हो। जिस तरीके से टीम इंडिया ने लगातार 3 मैच जीते हैं, उसी कॉम्बिनेशन के साथ टीम इंडिया चौथा मैच भी जीतना चाहती है। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये होगा कि न ही इस मैच में ईशान किशन को मौका मिलेगा, न ही मोहम्मद शमी को, न ही सूर्य कुमार यादव खेलेंगे और न ही रविचंद्रन अश्विन। ऐसे में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी देख लीजिए। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। ऐसे में यही वो 11 खिलाड़ी हैं जो मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ उतरेंगे। हालांकि टीम इंडिया के लिए तो सबसे बड़ी खबर यही है कि रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप में खूब रन उगलते हैं। 2015 के वनडे वर्ल्ड कप के मैच में भी रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ शतक ठोका था, तो 2019 के विश्व कप में भी बांग्लादेश के खिलाफ रोहित शर्मा ने शानदार 109 रन बनाए थे। यानी कि ये वर्ल्ड कप रोहित शर्मा का 3रा वर्ल्ड कप हो जाएगा और अगर इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी ठोक देते हैं तो वो लगातार वर्ल्ड कप के मैचों में बांग्लादेश के खिलाफ शतकों की हैट्रिक लगा देंगे। यानी कि एक अकेले बांग्लादेश के 11 खिलाड़ियों पर भारी पड़ेगा। हालांकि क्योंकि पुणे का मैदान बैटिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इससे टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर खास नजर रहेगी। खास तौर पर रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या। टीम इंडिया के ये वो टॉप के 6 बल्लेबाज हैं जो किसी भी दिन, किसी भी पिच पर, किसी भी मैदान में 400 या 450 का स्कोर खड़ा कर सकते हैं। ऐसे में अगर टीम इंडिया टॉस जीतती है तो टीम इंडिया पहले बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगाना चाहेगी। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जिसने टीम इंडिया के साथ कई बार उलटफेर किया है। ये वही टीम है जिसने टीम इंडिया को साल 2007 का वर्ल्ड कप मैच हराया था और वर्ल्ड कप से बाहर करवाया था। इसके बाद ये वही टीम है जिसने एशिया कप में भी टीम इंडिया को कई सारे मैच हराए हैं। इसके अलावा अगर बीते 5 मैचों की बात की जाए तो बीते 5 मैचों की जो वनडे में टक्कर टीम इंडिया की बांग्लादेश के साथ हुई है, उसमें बांग्लादेश ने 3 बार टीम इंडिया को परखनी दी है और टीम इंडिया सिर्फ 2 ही बार मैच जीत पाई है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो आखिरी वनडे का मुकाबला एशिया कप में हुआ था, उसके भी ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया बांग्लादेश से हार गई थी। उस वक्त बांग्लादेश ने टीम इंडिया को 6 रनों से मात दी थी। यानी कि बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो बड़े बड़े उलटफेर करने के लिए जानी जाती है और टीम इंडिया के साथ उसका 36 का आंकड़ा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं 16 साल पुराने दुश्मनों से हिसाब चुकता करना है और उन्हें इस वर्ल्ड कप के मैच में हरा कर बाहर भेजना है। ऐसे में आप बताइए आपकी क्या राय है कि क्या टीम इंडिया ऐसा कर पाएगी। जो भी आपकी राय हो कॉमेंट करके जरूर बताएं।